मेरा नाम है आरजे राज, आप देख रहे हैं 1177th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। मतलब अमूमन होता ये है कि रिश्तों में या यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं या किसी एक ऐसे जोन में फंस जाते हैं जिससे निकलने के लिए हमें रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। और तब एक अगर ऐसा साइकोलॉजिस्ट आ जाए हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को सॉर्टेड कर दे, तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। बी सॉर्टेड के माध्यम से मिसेज सोनल फुके मैम एक कोशिश कर रही हैं लोगों तक वो बात पहुंचाने की जो बात पहुंचनी चाहिए। मैम गुड मॉर्निंग और स्वागत आपका राज की बात में। हेलो राज, गुड मॉर्निंग। मैम पिछले हफ्ते एक बड़ा सक्सेसफुल एपिसोड हुआ ऑन बी सॉर्टेड, जहां पर हमने गिल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा और परिचर्चा करी जी। आज रिलेशनशिप्स को लेकर मैम, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एडल्ट्स, वी टॉक अबाउट मैरिज, वी टॉक अबाउट पीपल हु आर टुगेदर, हम उनके रिश्तों को लेकर आज बात कर रहे हैं और उन्हें सॉर्टेड वो कैसे कर सकते हैं, अपने इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, दुविधाओं को, उसको लेकर मैम आज ये विशेष चर्चा हो रही है। शुरुआत करते हैं मैम, जब दो लोग मिलते हैं तो अब अलग अलग मानसिकताओं के साथ मिलते हैं मैम, उसको आप किस तरह से देखती हैं? जो जब दो लोग जब मिलते हैं तब वो ये नहीं देख पाते, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दो अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के साथ वो मिल रहे हैं। उनका एक अभी तक उनको जो एक्सपीरियंसेस आए हैं उसके बेसिस पे उनका सारा जो इंटरेक्शन है वो बेस्ड होता है, आधारित होता है जी। तो जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है जैसे हम एक नया बैंक अकाउंट खोल रहे हैं जी। तो हर एक इंसान के साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट हम लोग खोलते हैं जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तब, और फिर जब हम उनको एक स्माइल देते हैं, जब हम कुछ ग्रीट करते हैं, जैसे बातों की शुरुआत होती है जी। तो हमारे जो भी हमारा बिहेवियर है, हमारे जो भी एक्सप्रेशंस है, हमारा जो भी एक्शन है, उससे हम डिपॉजिट्स करते जा रहे हैं वो जी बैंक अकाउंट में जी। और ये अच्छा एग्जांपल है मैम जी। और फिर जैसे बात आगे बढ़ते जाती है और आप डिपॉजिट्स करते जाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला खुश हो, खुश रहे, हमसे खुश रहे, तो हम डिपॉजिट्स करते जाते हैं नोइंगली, कभी अननोइंगली इस तरह से दोनों करते जाते हैं जी। फिर कभी कोई सिचुएशन आ जाती है जब हम शायद उतना अच्छे से नहीं बिहेव कर पाते, क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है उसका, बिल्कुल, तो हम शायद अच्छे से नहीं बिहेव करते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस वक्त हमने ये सोचना चाहिए कि हमने जो डिपॉजिट्स किए हैं जी, तो अभी हम उसमें से थोड़ा सा विड्रॉल कर रहे हैं। तो जब ऐसा मनमुटाव होता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कभी झगड़ा होता है या गुस्सा होता है, तब हम वो बैंक अकाउंट में से विड्रॉल्स करते हैं, और जब हम विड्रॉल्स करते हैं तो नेचुरली वो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो नीचे नीचे जाता है जी। तो अगर हम चाहते हैं कि वो चीज ठीक हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, हमको वापस से डिपॉजिट्स करने चाहिए। तो ये हर रिलेशनशिप के साथ ट्रू है, और ऐसा इसलिए ऐसा होता है कि जो बहुत पुराने फ्रेंड्स होते हैं या बहुत पुरानी रिलेशनशिप्स होती है, या इवन एक बच्चा और पेरेंट का रिलेशनशिप होता है, या फिर बहुत सीनियर कपल्स होते हैं या उनका रिलेशनशिप होता है, सो दे हैव ऑलरेडी मेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिपॉजिट्स थ्रू आउट देयर लाइफ जी। तो दे हैव सफिशियंट बैलेंस कि कुछ महीने अगर आपका उनके साथ नहीं भी है अच्छे से इंटरेक्शन, फिर भी आपके पास इतना सारा डिपॉजिट है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम्स तब आना शुरू हो जाता है जब आप डिपॉजिट्स करना बंद कर देते हैं और सिर्फ विड्रॉल्स करने लगते हैं, सिर्फ उसमें से आप जब निकालने लगते हैं अकाउंट में से, तो मैम एक दिन वो खाली होता है, वो खाली हो सकता है, उसका रिस्क होता है, और फिर जो कंप्लीट डिस्कनेक्ट जब होता है उस वक्त आप ऐसा समझ सकते हैं कि बैंक अकाउंट खाली हो गया। लेकिन उसके लिए भी सोल्यूशन है ना, आप फिर से डिपॉजिट्स चालू करो। बट मैम जिसे मैम बिजनेस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, सरकार बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी है मैम, लेकिन वैसे ही मैम रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज, और स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसा बहुत मतलब ऐसा
एक फिक्स फॉर ऑल ऐसा नहीं होता. एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, एवरी कपल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. उनका अपब्रिंगिंग होता है, उनका जो एनवायरमेंट में उनका नर्चर हुआ है वो असर करता है, ये सारी चीजें तो है. पर अगर हम ऐसे इन जनरल अगर हम ऐसे अगर बात करें तो स्ट्रेटजी सबसे पहली ये है कि यू शुड बी फर्स्ट एब्सोल्यूटली ट्रू टू योर ओन सेल्फ. और अगर एक कपल रिलेशनशिप में है तो दो तीन चीजें हैं जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं. अभी जो बिल्कुल यंग कपल्स होते हैं उनको लगता है कि लव इज द फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्क होगी. बट लव इज अ वेरी वल्नरेबल इमोशन. वो इट कैन कम एंड गो, इट कैन यू नो स्टे देयर, इट कैन यू नो ब्रेक यू डाउन, इट कैन मेक यू कमिट सुइसाइड, इट कैन यू नो मेक यू मूव माउंटेन्स. मतलब लव इज एन इमोशन विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल इमोशन, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी वल्नरेबल इमोशन. उसपे पूरी तरह से हम डिपेंड नहीं कर सकते. जी. तो सबसे पहले जो कपल्स हैं रिलेशनशिप्स में उनको सबसे पहले ये ध्यान में उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि उनको एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल एडमिरेशन कितना है. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे शुड फील दैट द पर्सन दे आर विथ इज रियली एडमिरेबल. Admirable, respectable. तो this, I think this is the first thing that is the most important in a relationship. Right, कि सबसे पहले very deep sense of admiration वो है कि नहीं आपको वो इंसान के लिए. That is the first thing. जी. तो ये तो पहले आपको evaluate करना चाहिए. जी. Then the second thing is you should have a very strong connection. Connect. अब connection मतलब then you have to, you know, you have to communicate, you have to talk. और फिर जो कम्युनिकेशन होता है दैट हैज टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो आप सिर्फ सामने वाले का सुन रहे हो, अपना कुछ नहीं शेयर कर रहे हो, या तो फिर उल्टा है कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हो और सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे हो. जी. तो ये कम्युनिकेशन का भी एक है जो होना चाहिए. और फिर थर्ड इस पे आता है एक्चुअल लव. तो एक तरीके से एक फॉर्मेट है. तो ये फॉर्मेट है, ये स्ट्रेटजी है. और ये हमको समझना चाहिए कि इस तरह से ही होता है, यूजुअली ऐसे ही होता है. जी. तो आपको अगर सामने वाले के लिए सही में अगर एडमिरेशन है तो वो बहुत दूर तक जाएगा. तो अगर आपको ऐसे शुरू में रिलेशनशिप के शुरू में ही अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे सामने वाले पे इतना मतलब मुझे लगता नहीं है कि दैट पर्सन इज वर्थ यू नो सो मच ऑफ माई टाइम माई एनर्जी एंड माई वॉट एवर इन्वॉल्वमेंट, then you should think about it and then not go too much ahead in that relationship because that mutual admiration is something that can you know keep going for a very long time. But ma'am, ek taraf admiration ki hum baat karte hain, ek taraf love, respect, you know, ek dusre ke prati jo ek dusre ki bhavna hai, hum uske bare mein baat karte hain. Lekin ma'am, opposite attract. Ji. They meet and they start living together. But then there are, you know, on everyday basis, there are, you know, there are disagreements on a lot of things. Ab ma'am, mere ek dost ne ek ladki se shaadi kari, wo usse mohabbat bahut karta hai, aur wo ladki uske liye khana bana leti hai, bartan dho leti hai, kapde kar leti hai, uski jo, you know, rozmarra ki zindagi mein jo zaruratein hain, wo sab puri kar leti hai. Lekin ma'am, har din ya har dusre din, एक विवाद खड़ा हो जाता है, किसी न किसी चीज पर डिसएग्रीमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं. मैम, एक तो डिसएग्रीमेंट्स लीड कहां करते हैं पहले हमको ये समझना जरूरी है, और दूसरा ये कि डिसएग्रीमेंट्स की वजहें क्या होती है. मैं तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगी कि डिसएग्रीमेंट्स क्यों होते हैं. जी. क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ब्रेन्स हैं. जी. क्योंकि हम दो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं. अगर हम खुद के बारे में अगर सोचें तो क्या मैं जब 10 साल की थी तब मैं ऐसा ही सोचती थी जैसा मैं आज सोच रही हूँ? मेरे में चेंज आया है. मैं इनफैक्ट मैं कल जैसे सोच रही थी उसमें और आज के मेरे चेंज सोचने में भी परिवर्तन आया है. जी. तो जब मेरे खुद के सोच में जब परिवर्तन आते रहता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन माई एक्सपोजर, तो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन टू पीपल आर कमिंग टूगेदर फ्रॉम टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनका अपब्रिंगिंग बहुत अलग तरीके से हुआ है, उनके जो पेरेंट्स ने उनको जिस तरीके से बड़ा किया है, उनका फ्रेंड सर्कल जैसे रहा है, उनका क्लास में उनका जैसे जो भी एक रहा है, मतलब जो भी स्टेटस रहा है, जो भी वो मार्क्स लाते होंगे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, कभी किसी के लाइफ में कोई ट्रेजिडीज हो जाती है उसके थ्रू वो जाते हैं, ये सारी चीजों से हमारी पर्सनैलिटीज बन रही हैं. तो जाहिर है कि डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे. जी.
तो उससे डरने वाली मगर कोई बात नहीं है, क्योंकि वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट दैट इफ टू पीपल आर कमिंग टूगेदर दे विल एक्चुअली हैव डिसएग्रीमेंट्स एंड इट इज वेरी नेचुरल नॉर्मल एंड हेल्दी टू हैव डिसएग्रीमेंट्स. जी मगर उसके लिए यू हैव टू रियली ओपन अप एंड यू हैव टू कम्युनिकेट कि सामने वाले को मेरा व्यू पॉइंट देखते आना चाहिए. जी और सामने वाले ने ये समझना चाहिए कि आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग बट लेट मी स्टिल सी योर व्यू पॉइंट. उसका एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है कि अगर मैंने 6 लिखा हुआ है जी, तुम्हारे तरफ से वो 9 दिख रहा है और मेरे तरफ से वो 6 दिख रहा है जी. अगर मैं यही जिद पे रहूं कि नहीं वो तो 6 ही है और 9 गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, तो यू विल गेट कम्प्लीटली यू नो इरिटेटेड कि ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रही है. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे 9 दिख रहा है मगर इसको 9 नहीं दिख रहा है. उसके लिए यू रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. बट मैम साइंस होते हैं ना मैम, आपको सिग्नल्स मिलते हैं और वो सिग्नल्स आपको एक डिसीजन को पे लीड करते हैं. ऐसे ऐसे सिग्नल्स जहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा है कि सामने वाला के साथ हमारी चल नहीं रही है गाड़ी, दोनों जो चक्के हैं वो बराबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग साइंस है. हाँ, तो क्या होते हैं मैम? हाँ, तो ये जो वार्निंग साइंस होते हैं, ये एक वार्निंग साइन ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू बिकॉज आई नो दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू वॉन्ट बी अंडरस्टैंडिंग मी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी. तो ये जब होने लगता है रिपीटेडली, तो इट इज जस्ट लाइक यू नो विड्रॉल, जो मैंने शुरू में बोला विड्रॉल फ्रॉम द बैंक अकाउंट जो है, तो एक्चुअली वो हो रहा है कि मैं क्यों बताऊं, वैसे भी तुमको नहीं समझ में आएगा. तो ये शुरुआत होती है जी. और फिर धीरे धीरे अपने अपने लाइफ में, क्योंकि सबको रिलैक्सेशन चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, और आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे इंटरेक्शन से अगर डिसएग्रीमेंट बहुत बढ़ने वाला है और मनमुटाव बढ़ने वाला है, वो हीट जनरेट होने वाली है, एंगर जनरेट होने वाला है, तो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है. ये जब होने लगता है, सो दैट इज द बिगेस्ट वार्निंग साइन. और दूसरा साइन ये है कि आप चाहते हो कि आप अलग अलग ही चीजें करो, साथ में चीजें आपकी इच्छा नहीं होती है करने की जी. तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखती हूँ, ये जब होने लगता है, या फिर ये होने लगता है कि ये मुझे करना है लेकिन ये अगर मैंने बोला तो ये मुझे मना कर देंगे, ये मुझे करने नहीं देंगे वो चीज, तो उससे अच्छा मैं शेयर नहीं करूं. ये जब चीजें होने लगती हैं, तो धीरे धीरे वो ड्रिफ्टिंग अपार्ट होना शुरू हो जाता है. और इनिशियली और काफी अपने इंडियन सोसाइटी में तो आई एक्सपेक्ट कि लोग ऐसा करेंगे कि दे विल ट्राई टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय शेयरिंग थिंग्स, बिकॉज वी बिलीव इन मैरिज, वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, है ना जी. तो मुझे लगता है कि वो एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए. और कभी कभी बहुत गलत मैसेजेस ये सोसाइटी में फ्लोट होते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज मत करो जी, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक ही लाइफ है, आपको जैसे जीनी है वैसे जियो जी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, वो ठीक है कि दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास जो जिंदगी मिली है आपको जी, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज समथिंग विच जिसमें कपल्स थोड़े से फिसल जाते हैं जी. मतलब वो कोई चीज जो नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, एंड देन दे गेट स्केयर्ड और देन दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे ट्राई टू जस्टिफाई देमसेल्व्स कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मैंने वैसा नहीं किया होता, उस साइकिल में वो आ जाते हैं. और उनको लगता है कि सामने वाला उनको फॉरगिव नहीं करेगा, तो फिर वो शेयर करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, फिर छुपाने का शुरू हो जाता है. आई थिंक ऑल दीज आर वार्निंग साइंस, एंड द ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. और दूसरा ये है कि अगर सामने वाला कोई गलती अगर करता भी है, अगर कोई उससे कोई मिस्टेक होती है, तो वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. मैम आपने ये जो बात बोली इंस्टेंट रिकग्निशन वाली, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो मैम लेकिन दोनों चीज, मैम इंस्टेंट रिकग्निशन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोथ, मैम क्या इससे एक रिश्ता और स्ट्रांग हो सकता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली उसका जो इफेक्ट है जी, वो इंस्टेंट ही होता है जी. अभी इंस्टेंटेनियस मतलब टेकर और गिवर दोनों के लिए. हाँ, okay. हाँ. हाँ. तो अगर मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है लेकिन उसके लॉन्ग टर्म भी तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या,
अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अगर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कुछ बुरे नहीं हो रहे हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग फॉर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बट समटाइम्स इट कैन एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, ये सोचना बहुत जरूरी है. और एक अब हमारी सोसाइटी में ये भी एक थोड़ा सा परिवर्तन होता आ रहा है कि खुद के बारे में सोचो जी. मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप को इस तरह से देखना चाहिए कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के लिए अगर कर रही हूं अगर, तो मैंने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सामने वाले के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं. अच्छा, ये मैं कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे मेरी लाइफ अच्छी चाहिए, मेरे खुशी के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं. बिकॉज ह्यूमन बींग इज अ वेरी सेल्फिश पर्सन, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं और अगर मैं कंटिन्यूअसली यही खुद को बता रही हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर मैं अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर रही हूँ तो मैं उसको देखने के तीन चार नजरिए हो सकते हैं. एक नजरिया ये हो सकता है कि मुझे मेरे हस्बैंड को रोज खाना सर्व करना पड़ता है जी, मैं उसके लिए इतना कर रही हूँ. ठीक है, एक नजरिया ये हो सकता है जी. दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि मुझे मेरे हस्बैंड को सर्व करने में बहुत खुशी मिल रही है जी, बिकॉज सी आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ एक्चुअली नरिशिंग हिम जी बाय माई प्रेजेंस. एब्सोल्युटली, तो आई हैव मेड माई प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस. इफ आई एम सेइंग व्हाई शुड आई फीड हिम, आई हैव माई ओन इम्पोर्टेंस, व्हाई शुड आई फीड हिम जी, वन कैन से दैट. सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट यू हैव टू चूज बिटवीन दीज थिंग्स, राइट? एंड देन यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंग्स. अगर आपको इसके लिए अगर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस. द ओनली थिंग इज दैट if you do compromise on certain things, you should not think that you are doing it for somebody. You should always think that you are doing it for your own self, you are doing it for your own happiness. Ek mujhe bahut it's a very candid example actually. I was having a conversation with my mother the other day ji, and she was telling me ki पता नहीं कभी कभी लोग ऐसे जब जैसे हस्बैंड वाइफ में कभी कभी डिवोर्सेस कौन से रीजंस के लिए हो जाते हैं ना, कभी कभी इसलिए हो जाते हैं कि सामने वाला बहुत स्नोर कर रहा है, बहुत स्नोर करने की वजह से मेरी बार बार नींद डिस्टर्ब हो रही है, और इसलिए अभी ये कोई रीजन तो नहीं होना चाहिए डिवोर्स के लिए. बट शी सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, शी सेड दैट मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जब सामने वाला इस तरह से स्नोर कर रहा है तो कितनी अच्छी नींद लगी है उसको, तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए कि सामने वाले को इतनी अच्छी. सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव. बट मैम, ये जो शब्द है जो अपने आप में कहता है कि गो, विच इज ईगो, भले मैम वो कह रहा है गो, लेकिन वो मैम क्या रिश्तों में ईगो का आना या ईगो का रहना घातक है? बहुत ज्यादा घातक है. बहुत ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि ईगो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है जी. और ईगो तब होता है और वो सबको होता है और उसमें से कोई नहीं छूटा है जी. इट्स अ वेरी इट्स काइंड ऑफ अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्चुअली. ईगो इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तो वो इन एंड आउट बुरा है ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए. एक हेल्दी लेवल पे जिसका बहुत ही फाइन लाइन के इधर अगर आप आओ तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोलते हैं जी, राइट जी, बिल्कुल. तो वो बुरा नहीं है तो, बट इट हैज टू बी इन सर्टन प्रोपोर्शन. अगर आप हर छोटी छोटी चीज में अगर आप अपना ईगो लाते गए तो मतलब आप खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जी. और वो खुद को जब आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तब आप आपके अराउंड जो भी लोग हैं जी, आप उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे जब आप कंटिन्यूअसली. और सबसे मेन चीज ये है कि जब वो ईगो अपना बहुत सर बाहर निकालता है तो उसका रियलाइजेशन नहीं होता है, उसका इनसाइट नहीं होता है जी. उसका रियलाइजेशन नहीं होता है कि मुझे बहुत इगोइस्टिक तरीके से मैं सोच रही हूं, ऐसा हम खुद को नहीं बताते हैं. बिकॉज वी आर वेरी सेल्फ डिफेंसिव काइंड ऑफ अ स्पीशीज, हम अपनी हर एक्शन को डिफेंड करते हैं जी. तो वो हम उसको ईगो का नाम नहीं देते हैं. हम यही सोचते हैं कि मुझे कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो इसलिए हम ऐसा लगता है कि ये ईगो सेटिस्फेक्शन करने से मुझे कुछ अपना मेरा खुद का सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है. सो मैम, अगर हम बिल्कुल तीन बेसिक चीजें
कपल्स के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए आप अगर सजेस्ट कर सकें टू मेक द रिलेशनशिप सॉर्टेड, तो मैम वो तीन चीजें क्या होंगी? सबसे पहली चीज ये है कि यू हैव टू बी रियली ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ, मतलब अपने आप को पहले समझना बहुत जरूरी है. और जब आप मतलब खुद के लिए, जो एक एम्पथी हम यूजुअली दूसरों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ अवेयरनेस है कि मेरा खुद का मतलब, एंड इट इज नॉट एट ऑल बीइंग सेल्फिश व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, व्हाट इज योर ओन वैल्यू सिस्टम, आपका खुद का सोचने का तरीका कैसा है. जी. तो जब आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं तभी आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से जान पाएंगे. जी. तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि योर पार्टनर कैन हैव अ कम्प्लीटली 360 डिग्री डिफरेंट व्यू पॉइंट, बट ही और शी कैन स्टिल बी राइट इन देयर ओन वे. सो देयर कैन बी मोर देन टू पर्सपेक्टिव्स टू द सेम सिचुएशन, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्सपेक्टिव, इवन दो यू डोंट एग्री टू दैट पर्सपेक्टिव, बट यू हैव टू स्टिल रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव. जी. तो वो पर्सपेक्टिव दूसरे का अलग हो सकता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है. और तीसरा ये बहुत जरूरी है कि लुक एट द बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर को हम, अगर हम सिर्फ सेल्फिश बनना चाहिए, सेल्फिश बन के बिगर पिक्चर देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में मुझे कौन सी चीज एक्चुअली हैप्पीनेस देने वाली है, और उसके लिए अगर आज मुझे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, इफ द फैमिली, अगर अगर बच्चों को लेके, हम तो पेरेंट्स हमेशा ही बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इफ वी कैन गिव अ यू नो स्टेबल फ्यूचर टू द चिल्ड्रन, तो उसके लिए अगर हमको छोटी चीजें करनी पड़ रही है कॉम्प्रोमाइज, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. एवरी कपल, राज, इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इट कुड गेट वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल दैट. ट्रू. बट हम तो एक जनरल पर्सपेक्टिव से जनरल बात कर रहे हैं. जी, ये जी. जो ऐसा सोसाइटी में फैलाया जा रहा है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मैम ये ज्यादातर तो मतलब लड़की की मदर की तरफ से आता है या लड़के के मदर की तरफ से आता है कि वाई टू कॉम्प्रोमाइज. और मैम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये बात वही लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है. हाँ. तो वो कहते हैं कि Actually, आप कॉम्प्रोमाइज मत करो. यू आर राइट. द फीमेल्स मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मैम इसके ऊपर मैम शो करना चाहते हैं मैम इन लॉज. मैम ये होना चाहिए. बिल्कुल. है ना. चलिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आज कपल्स को लेकर जो यू नो पूरी बात हुई उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने लायक है. और हमने एक क्वेश्चंस का फोरम भी मैंने मेंशन किया है कि यू नो आर व्यूअर्स कैन आल्सो आस्क अ क्वेश्चन इफ दे हैव एनी, एंड लेटर आल्सो दे कैन ऑलवेज यू नो आस्क अ क्वेश्चन एंड आई एम श्योर यू विल रिप्लाई टू इट. आपने कपल्स को लेकर जो आज हमने बात करी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. आई थिंक आई ऑल्सो लर्न अ लॉट, एंड द बेस्ट थिंग इज माई वाइफ इज ऑल्सो वॉचिंग द शो, सो वी बोथ हैव लर्न टूडे समथिंग, एंड आई एम श्योर दिस विल टेक आर रिलेशनशिप ऑल्सो टू अनदर लेवल, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग. अगले हफ्ते मैम फिर एक मुलाकात होगी, फिर एक बात होगी आपसे एक नए विषय पे. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें सॉर्टेड किया, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. वो कहते हैं ना कि तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, बड़ी अच्छी दो लाइनें हैं. और यू नो ये लाइनें एक अननोन शायर है, और मैं चाहता था ये मैं पता करना कि शायर कौन है, क्योंकि बड़ी सरलता से उसने बात कह दी थी कि तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, ये इश्क है साहब इसके दवाई बिकती नहीं. लेकिन इश्क को एक अलग लेवल पर हम जब ले जाते हैं और मोहब्बत को एक रिश्ते में ढालते हैं, और उस रिश्ते के अंदर में जब बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो हम कहीं ना कहीं रिग्रेट वाले सिचुएशन में आ जाते हैं. अगर आप इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखें तो आप उस सिचुएशन में नहीं आएंगे. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके सवाल आपके मन में और आपको उन सवालों के जवाब चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने सवाल लिख कर भेजें, एग्जाम्पल स्वरूप लिख के भेजें कि मेरे फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम है. आई एम श्योर सोनल फुके मैम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगी. लेकिन एक चीज़ जो है, जिस इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा निचोड़ है, जो वो अगर आप समझें, तो वो यही है कि रिश्तों को आप छोड़ नहीं सकते. कि एक बार आपने शादी कर ली, सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, हार पहना दिया, लड़की अपने घर को छोड़कर लड़के के घर में आ गई, तो सब कुछ खत्म.
मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत ही वहीं से है। और आपको रोज़ जिस तरह से आप अपनी जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी पे काम करते हैं, वैसे ही आपको अपनी मानसिकता पे और अपने रिश्तों पे काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप एक अच्छा रिश्ता बना पाएंगे। और रिश्ते ही हैं, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के, स्पेशली कपल्स के रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम जैसे खड़े रहते हैं, और जब वो चीज़ें नहीं रहेंगी तब तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, और ये इश्क है साहब, इसकी दवाई बिकती नहीं। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने पार्टनर के साथ बड़ा क्वालिटी टाइम बिताएं और अपने रिश्तों पे काम करें। जिंदा रहें। जय हिंद।